नमस्कार, आप देख रहे हैं गडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे के उपलक्ष्य पे पीओजेके को खाली करवाने के नारे जो हैं वो एसओएस इंटरनेशनल द्वारा जो संस्था है रिफ्यूजी संस्था उसके द्वारा लगाए गए। इस मौके पे जो है मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान के झंडे के प्ले कार्ड भी जलाएगी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाएगी। इस मौके पे क्या कुछ कहते हैं राजीव चुन्नी जो प्रधान है एसओएस इंटरनेशनल के, आइए सुने। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरे साथ इस समय जो आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे लोग पीओजेके से हैं और आज इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक प्रोटेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। राजीव चुन्नी जी हैं एसओएस के प्रधान हैं, कैसे देखते हैं इस दिन को और क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं? देखें, हमने इस दिन को इसलिए चुना है कि हम देश और दुनिया को उनकी नज़र में, उनके संज्ञान में ये बात लाएँ कि एक ऐसा तबका भी है जिसके 12 लाख लोग जम्मू कश्मीर में और 5 लाख लोग जम्मू कश्मीर के बाहर अन्य राज्यों में आज मानव अधिकारों को हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं और उसका लगातार हनन हो रहा है। ये किस तरह का रिफ्यूजी डे होगा वर्ल्ड का, ये तो वो जवाब देंगे, क्योंकि इसमें त्रासदी ये है कि हमें आज तक रिफ्यूजी का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए रिफ्यूजी का दर्जा नहीं है। नहीं, वो इसलिए कहते हैं कि वो देखें ऐसी बात नहीं है, जिनके पास जो पाकिस्तान से लोग आए थे पार्टीशन में उनको इन्होंने सेटल कर दिया रिफ्यूजी बनाकर, लेकिन हमारे मामले में ये तर्क है कि वो इलाका हमारा अभिन्न अंग है और उसको खाली कराना है और आप लोगों को वापस भेजना है, इसलिए आपको अगर रिफ्यूजी मान लेते हैं तो उस इलाके पर हमारा असर पड़ेगा। ठीक है, आपका अपना मन है, लेकिन एक काम तो आप कर सकते थे, आप हमारी मदद कर सकते थे। आज आप कश्मीरी पंडित विस्थापितों की मदद कर रहे हैं, महीने के पैसे दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, बाकी चीज़ें दे रहे हैं, ये चीज़ें मेरे लोगों को भी मिलती। ठीक है, 2-4% लोगों ने अपनी मेहनत से अपने आप को खड़ा किया, लेकिन 90% से अधिक मेरी जनता आज भी गरीबी रेखा से नीचे है, जो कभी 47 से पहले बड़े सुखी जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद ये दुर्दशा हमारी शुरू हुई और आज तक ये लोग जो हैं वो संघर्ष ही कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, हाईएस्ट ऑफ चेयर की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, कहते हैं पीओजेके वापस ले लिया जाएगा, पहले डिबेट नहीं होती थी हालांकि रेजोल्यूशन 1994 का है, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, डिबेट तो पहले भी होती थी, लेकिन देखें ये हमारे लोग जो हैं हम तो भुक्तभोगी हैं, कोई शायद सुनने वाले को अच्छा लगे लेकिन भुक्तभोगियों को तब अच्छा लगेगा जब मुझे कहा गया था, कहा जाएगा कि अपना अटैची पैक करो, आपने वापस जाना है। हम तो तैयार दिन आ जाएंगे बड़ी जल्दी, बिल्कुल हम तैयार बैठे हैं। हम कहते हैं भारत सरकार इशारा करे भाई इलाका खाली हो गया है, रास्ते साफ हो गए हैं, आप चलिए अपने घरों को रिकैप्चर करिए, रीऑक्यूपाई करिए, ये सारे लोग तैयार हैं, हम एक मिनट नहीं लगाएंगे और ये वक्त है, मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द ये करना चाहिए। तो सुना आपने राजीव चुन्नी जी का क्या कहना था, और जम्मू की बात करूँ जो डोगरा हार्डलैंड है, मंदिरगढ़ शहर है, यहाँ पे रिफ्यूजीज के और जो बाकी अदर इलाके के लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं और कहीं ना कहीं रिफ्यूजी कैपिटल भी जम्मू को कहा जाता है, लेकिन इस संदर्भ में अगर बातचीत की जाए तो राजीव चुन्नी का साफ तौर पे ये कहना था कि पीओजेके जाने के लिए वह और उनके साथी तैयार हैं, तत्पर हैं, सरकार एक इशारा करे वह अपनी अटैची लेके उस तरफ चल पड़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ सरकार अभी हाईएस्ट ऑफ चेयर की बात करूँ तो इस बात के ऊपर हमेशा बात रखती है कि पीओजेके अभी बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान की लीगली ऑक्यूपेशन में जो है उसको छुड़ा दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर के साथ जो है वो पर्याप्त रूप से मिला दिया जाएगा। कितनी जल्दी ये सारी चीज़ें होंगी, कब ये पीओजेके के जो लोग हैं वो वापस अपने घर पे जा पाएंगे, अपनी वैल्यूबल राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियोस लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिए गडजम वर्चुअल के साथ, कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।